हाय गाइज, वेलकम टू एससी गेट पीएससी शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये वेन डायग्राम का पार्ट फोर है। पार्ट थ्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट थ्री में हम लोग ग्रुप ऑफ थ्री का कॉन्सेप्ट की बात किए थे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग पार्ट फोर में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि गेट के एग्जाम में आए या पब्लिक सेक्टर में आए हुए। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए उसको मैंने लिया है और हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन लोगों से पार्ट थ्री मिस हो गया, पहले पार्ट थ्री को देख ले, उनके लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब एक बार आप पार्ट थ्री कंप्लीट कर लोगे तो ये पार्ट फोर में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन मैंने लिया है गेट 2017 से और ये वन मार्क्स का आया था इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ो, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो जो लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे उनको एक चीज़ पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या बोला है कि थ्री ग्रुप है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और उनमें रजिस्ट्रेशन होता है। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में, कुछ लोग फिजिक्स में, कुछ मैथमेटिक्स में, और कुछ लोग होते हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में करते हैं, कुछ लोग होते हैं केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में करते हैं, कुछ लोग होते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स में करते हैं। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गया जो लोग क्वेश्चन को पढ़े होंगे कि यहाँ पर थ्री ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है और तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो जब तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है तो इस वाले क्वेश्चन में वेन डायग्राम लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी थ्री ग्रुप का दिया रहेगा तो मैं आपको बोल चुका हूँ कि कैसे वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ऐसे तीन सर्किल बनाना है आपको, जब भी थ्री सर्किल का रहेगा तो ऐसे बनाना है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, आगे बोला गया है, अब देखो क्वेश्चन को वन बाई वन पढ़ते हैं। बोला है 500 स्टूडेंट आर टेकिंग वन आर मोर कोर्स आउट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये लाइन का मतलब बिल्कुल एकदम क्लियर आपको होना चाहिए कि 500 स्टूडेंट हैं, उनमें से सारे के सारे कोई एक या एक से ज़्यादा कोर्स को लेते हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो कि एक भी कोर्स नहीं लेता होगा। इनमें से ये 500 के 500 में से सारे ऐसे हैं जो कम से कम एक या एक से ज़्यादा कोर्स तो लेते ही लेते हैं, एक या एक से ज़्यादा कोर्स लेते हैं। और कौन कौन सा कोर्स है? केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो हमने थ्री ग्रुप बनाया था, तीनों का नाम दे देते हैं। पहला हमने दे दिया केमिस्ट्री, दूसरा फिजिक्स और तीसरा दे दिया मैथमेटिक्स। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। क्लियर यहाँ तक? और टोटल की संख्या क्या दिया? 500। 500 का मतलब क्या हो गया कि देखो जब भी थ्री ग्रुप का बनाएंगे तो देखो कितने एरिया बन जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये टोटल 6, 7 एरिया बन रहे हैं। इन 7 का सम करने पे क्या आना चाहिए? 500। क्यों? क्योंकि जो 500 स्टूडेंट कम से कम एक या दो या तीन ले रहे हैं तो सबका सम कितना आना चाहिए? 500 आना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? आगे देखते हैं। अब रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के हिसाब से बोला गया है कि केमिस्ट्री में 329 लोग इनरोल करते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली बात है, केमिस्ट्री 329 का मतलब आप क्या समझ रहे हो? केमिस्ट्री का मतलब क्या ये वाला एरिया समझ रहे हो या पूरा केमिस्ट्री समझ रहे हो? यहाँ पे ओनली और एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये पूरे सर्किल की बात कर रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा सर्किल केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब भी सर्किल की वैल्यू दी रहती है तो हम लोग सर्किल के बाहर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 329। अब ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि पूरे सर्किल में फोर टाइप का एरिया है। अगर मान लो यहाँ पे 329 लिख देते तो आप कंफ्यूज होते कि ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। 329 का मतलब ये हो गया इन चारों एरिया का में जितने भी स्टूडेंट लाई कर रहे हैं उनका सम करने पे 329 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ओनली और एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं किया इसलिए हमने ऐसा कर लिया। अब आगे बोला गया फिजिक्स 186। फिजिक्स में भी ओनली और एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं किया गया बच्चों। इसका मतलब फिजिक्स का मतलब पूरा का पूरा सर्किल दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा सर्किल की वैल्यू दी है। और जब भी सर्किल की वैल्यू दी है तो इस सर्किल में फोर एरिया में जितने स्टूडेंट लाइक कर रहे होंगे वो सारे के सारे आएंगे, तो हम इसमें कहीं फिल नहीं कर सकते। इसको भी हम लोग कहाँ लिखेंगे? बाहर लिखेंगे। और मैं एक लाइन में क्लियरली बता रहा हूँ कि जब भी ओनली और एग्जैक्टली वर्ड नहीं लिखा रहता है, पूरे सर्किल के दिया रहता है, तो हम लोग बाहर लिखते हैं। सिमिलरली मैथमेटिक्स में कितने हैं? 295। तो मैथमेटिक्स में भी ओनली एग्जैक्टली वर्ड नहीं किया है, मतलब पूरे सर्किल का दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 295। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखेंगे। आगे बोला है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में 83 है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक है, देखो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में बोला है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में कितना बोला है? 83 बोला गया है। और यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स 83 का मतलब क्या समझ रहे हो आप? ध्यान से समझ रहे, मैं यहाँ पे एक बार क्लियरली बता रहा हूँ। केमिस्ट्री और फिजिक्स का मतलब यहाँ पे इन केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो कॉमन है वो 83 है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को देखते हैं, ये केमिस्ट्री और ये फिजिक्स है, इनके बीच में जो ओवरलैप होता है वही कॉमन होता है। और इनके बीच में ओवरलैप क्या है? ये पूरा का पूरा ओवरलैप है, यानी कि पूरा का पूरा वैल्यू दिया हुआ है। यानी ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पे ओनली और एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं किया है, मतलब ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में एकदम क्लियरली मैं आपको हर एक चीज़ समझाया था। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये दिया हुआ है 83।
नेक्स्ट दिया है केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कितने ले रहे हैं, 217 लोग ले रहे हैं। यहाँ पे ओनली और जटली यूज नहीं किया बच्चों, तो यहाँ पे भी केमिस्ट्री ऐसे लिखेंगे एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का मतलब कितना, 217 लोग, मतलब कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में जो कॉमन एरिया होगा, जो ओवरलैप एरिया होगा, वही उसकी वैल्यू कितनी है, 217 स्टूडेंट उसमें लाई करेंगे। अब देखते हैं केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कौन से एरिया लाई कर रहा है बच्चों, तो ध्यान से देखना, केमिस्ट्री का ये पूरा सर्किल है, मैथमेटिक्स का ये सर्किल है, इनके बीच में ओवरलैपिंग क्या है, ये ओवरलैपिंग है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एरिया दिया हुआ है। क्यों पूरा का पूरा एरिया ले पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे भी ओनली और एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? अगर इसी क्वेश्चन में ओनली और एग्जैक्टली वर्ड यूज कर दिया गया होता तो केवल ये वाला, देखो मैं यहाँ जो कलर कर रहा हूँ, केवल ये वाला ले पाते अगर ओनली वर्ड यूज किया होता, लेकिन आप ओनली वर्ड यूज नहीं किया, मतलब पूरा पूरा सर्किल हमको ये पूरा का पूरा ओवरलैप लेना है। सिमिलरली आगे दिया हुआ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में दिया हुआ है 63 कॉमन दिया हुआ है, तो फिजिक्स एंड मैथ में दिया हुआ है कितना कॉमन, 63। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, फिजिक्स और मैथ का कॉमन एरिया देखेंगे तो फिजिक्स और मैथ में ओवरलैपिंग क्या, ये वाला ओवरलैपिंग है, तो इसकी बात कर रहा है। अगर यहाँ पे ओनली वर्ड यूज नहीं किया फिजिक्स और मैथ में, मतलब ये पूरा का पूरा ये ओवरलैप जितना, उसकी सारी की सारी वैल्यू दिया है 63। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, जब भी ये पूरा का पूरा दिया रहता है डेटा, तो हम इसको लिख नहीं सकते हैं। क्लियर है? इसमें फिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ फिल करोगे तो आपको कैसे पता कि ये वाला है कि ये पूरा है, आपका कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको साइड में ऐसे लिख लेना है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं, पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट आर टेकिंग ऑल थ्री सब्जेक्ट, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो बच्चों तीनों को तीनों के लिए क्या कौन सा एरिया कॉमन होता है, ये वाला एरिया कॉमन होता है, ये वाला देखो ये जो मैं बना रहा हूँ, यानी इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया, इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये पूरा का पूरा दिया हुआ हमको, ये पूरा का पूरा दिया, ये पूरा का पूरा दिया, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। जब इसको एक्स मानेंगे या और ये पूरा की पूरा केमिस्ट्री और फिजिक्स पूरा दिया हुआ है, केमिस्ट्री और फिजिक्स यहाँ पे देखो कितना दिया, 83 दिया है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा 83 और ये देखो पूरे एरिया में 83 स्टूडेंट हैं, और इस एरिया में एक्स है, तो इस एरिया में कितने स्टूडेंट रहे होंगे, तो 83 माइनस एक्स। क्लियर है? सिमिलरली ये देखो यहाँ पे केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में के बीच में ओवरलैपिंग में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 217, तो इसमें 200 टोटल 17 स्टूडेंट आ रहे हैं टोटल ओवरलैपिंग में, और इस वाले एरिया में एक स्टूडेंट आ रहे हैं, तो इस वाले एरिया में कितने हो जाएंगे, 217 माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली फिजिक्स और मैथ में कितने कॉमन आ रहे हैं, 63, और ये वाला एरिया एक्स है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 63 माइनस एक्स हो जाएगा। तो जब भी ऐसा आएगा तो डेटा ऐसे फिल करेंगे। क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है, ये पूरा का पूरा ये सर्किल की वैल्यू जो है आपको दी हुई है, पूरे पूरे सर्किल की वैल्यू जो दी हुई है 329, उसी तरह इस सर्किल की वैल्यू दी है 186, उसी तरह इस सर्किल की वैल्यू दी है 295। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा सर्किल है, ये फोर टाइप के एरिया से बन के बना हुआ सम है, इस एरिया ये फोर एरिया, तो तीन एरिया में स्टूडेंट की संख्या पता है या टोटल स्टूडेंट की संख्या पता है, तो इस वाले एरिया में कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं आपको पता नहीं चल जाएगा, निकाल सकते हो, इसमें से ये टोटल घटा दो। सिमिलरली इस एरिया में कितने स्टूडेंट लाइक करो, तो 186 में से ये बाकी घटा दो। तो देखो इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, 186 टोटल में से इस वाले को हम लोग निकाल रहे, तो 186 माइनस 83 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 63 माइनस एक्स। जब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू 40 प्लस एक्स, यानी इस वाले जो एरिया में कितने स्टूडेंट रह रहे हैं, तो 40 प्लस एक्स रह रहे हैं, यानी कि ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल फिजिक्स में इनरोलमेंट कराए होंगे, उनकी संख्या कितनी है, 40 प्लस एक्स। क्लियर है? सिमिलरली अगर मान लो हमको इसको निकालना है, ये वाले एक को निकालना है, तो ये वाले को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 295 माइनस एक्स प्लस 63 माइनस एक्स प्लस 217 माइनस एक्स, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस एक्स। आप कैलकुलेट करके देखना, ये कैलकुलेट करके आएगा 15 प्लस एक्स, तो यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस एरिया में कितने स्टूडेंट लाइक करेंगे, 50 प्लस एक्स। और ये स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट हैं जो केवल मैथ लाइक करते हैं, उसी तरह इसका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सबका निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे सारे का सम कितना आना चाहिए, 500 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सारे का सम कितना आना चाहिए, 500 आना चाहिए। तो एक बात बताओ, हम इसको निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो पूरे सर्किल की वैल्यू कितनी है, 329, और बाकी तीन एरिया इसके अलावा बच रहा है, ये और ये तीनों की वैल्यू है, तो तीनों का सम कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 329 प्लस 40 प्लस एक्स प्लस 63 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स,
इक्वल टू कितना आना चाहिए, 500 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये सबको क्लियर हो गया ना, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 500 आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 500 कर लिए, जब इसको यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगा 53, ठीक है। अब 53 आने का मतलब हमने x किसको माना था, वो ऐसे स्टूडेंट जो कि सारे के सारे सब्जेक्ट लेते हैं, तीनों के तीनों कोर्स में इनरोलमेंट किए हैं, तो 500 में से 53 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों के तीनों कोर्स में इनरोलमेंट किए हैं। तो आपको यही आपसे पूछा गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। बच्चों अब यहाँ पे देखो, ये तो एक क्वेश्चन आ गया, अब आपसे और क्या क्या पूछा जा सकता है उसको देखते हैं। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि ओनली फिजिक्स में कितने स्टूडेंट हैं जो केवल ओनली फिजिक्स ले रहे हैं, फिजिक्स, तो बच्चों ओनली फिजिक्स का मतलब क्या हो गया, 40+x, ये वाला देखो यहाँ पे मैं लाइट कर डार्क कर रहा हूँ, ये वाला 40+x, इसकी वैल्यू कितनी, 40+x, तो 40 में x की वैल्यू ऐड कर दोगे तो 40 और x की वैल्यू कितने निकाले, 53, तो आपसे ये 40 और 50 कितना होता है, 90 और 93, यानी कि 93 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स लेते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता था आपसे, ये भी पूछा जा सकता था कि कितने स्टूडेंट हैं जो ओनली मैथ पढ़ रहे हैं, तो 53 में क्या करते, 53 में 15 को ऐड कर देते, क्योंकि ओनली मैथ वाले कौन होता है, ये वाला एरिया होता, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता था। तो ओनली मैथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15+53 कर देते। उसी तरह ओनली केमिस्ट्री पूछता तो क्या करते आप, ओनली केमिस्ट्री का मतलब क्या करते आप, ये वाला एरिया आप कैलकुलेट कर लेते। कैसे कैलकुलेट करते, टोटल 329 है और x की वैल्यू पता है, तो सबका x की वैल्यू रखते हैं और ये टोटल में से इसको घटा देते, तो ये आपका आंसर आ जाता, क्लियर है। तो इसमें यह भी पूछा जा सकता था कि ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जो केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता था, अब देखो एक और भी चीज इसमें पूछा जा सकता, अब पूछता इसमें कि ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जो केवल केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हैं, ओनली केमिस्ट्री और फिजिक्स, मतलब देखो ये वाला एरिया की बात करता है वो, ये वाला 83-x वाला, तो आपको यह बताना पड़ता। अगर वो पूछता इसी क्वेश्चन में ओनली ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो केवल फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ओनली फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो ये वाला एरिया हो जाता, देखो ये वाला एरिया लेते, इसकी वैल्यू 63-x लेते। अगर आपसे पूछता ओनली केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो ये क्या होता, ये वाला पूछता, ये वाला आपको निकाल के बताना पड़ता, मतलब 217-x करना पड़ता है। आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हो, मेन आपका है कि ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, और कैसे डायग्राम को ड्रॉ करना है और कैसे कैसे वैल्यू को पुट करना है, ये अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आई थिंक सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से कि क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन में 7-8 चीज़ें पूछी जा सकती थी, मैं सारे के सारे बताया आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे 6 चीज़ें पूछी जा सकती थी, और भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे, ठीक है। तो इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, लेकिन जिस दिन आप डायग्राम ये बनाना सीख गए और बना लिए एग्जाम में, तो आपसे कुछ भी पूछेगा आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लिया है गेट 2018 में आया हुआ है, 2 मार्क्स का, मैकेनिकल में आया था और एग्रीकल्चर में आया था, क्लियर है। तो मैकेनिकल और एग्रीकल्चर का सेम शिफ्ट में पेपर होता है, तो देखो जो भी गेट के एग्जाम का सेम शिफ्ट में पेपर होता है उनके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सेम आते हैं। मान लो कि मैकेनिकल का मॉर्निंग शिफ्ट है, इलेक्ट्रिकल का भी मॉर्निंग शिफ्ट है एक ही दिन, तो दोनों के जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे क्या होंगे, सेम होंगे। तो और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो बहुत लोग ट्राई किए होंगे, तो जो लोग क्वेश्चन को पढ़े होंगे एटलीस्ट उनको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि देखो 40 स्टूडेंट हैं जो कि फिल्म देखते हैं ABC, एक वीक के अंदर ABC पिक्चर को देखते हैं वो लोग, ठीक है। अब बोला है कि ईच स्टूडेंट वॉच्ड आइदर ओनली वन फिल्म और ऑल 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच स्टूडेंट मतलब कि जो 40 स्टूडेंट हैं सबके सब कम से कम या तो एक मतलब या तो आइदर लिखा है यहाँ पे, तो आइदर ओनली मतलब या तो एक पिक्चर देखते हैं या फिर तीनों के तीनों देखते हैं। ऐसे इन 40 में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि 2 मूवी देखता हो, क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक इस लाइन का मतलब समझ में आ गया कि 40 स्टूडेंट में से सारे के सारे स्टूडेंट ऐसे हैं या तो वो एक पिक्चर देखते हैं या फिर तीनों को तीनों देखते हैं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 2 पिक्चर देखता है, ठीक है। आगे बोला गया है 13 स्टूडेंट वॉच्ड फिल्म ए, 16 स्टूडेंट वॉच्ड फिल्म बी एंड 19 स्टूडेंट वॉच्ड फिल्म सी, हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच्ड ऑल 3 फिल्म। और बोला है कि कुछ दिया है, पूछा है कुछ। तो देखो तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि इन तीन यहाँ पे 3 ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है ABC, और तीनों ग्रुप में कुछ ना कुछ कॉमन है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से ही सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी 3 ग्रुप का है तो आपको मैं बोला 3 ग्रुप के लिए आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम आप बना लिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या करना है, सबका नाम देना है, क्या क्या यहाँ पे ग्रुप का नाम है, ABC,
क्लियर है यहाँ तक? अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अब यहाँ पे हमको देने देखने वाली बात ये है कि ईच स्टूडेंट वॉच आइदर ओनली वन फिल्म और ऑल थ्री। सारे के जो ये 40 जो बच्चे हैं, इनमें से सब बच्चे या तो एक पिक्चर देखते हैं या फिर तीन, तीनों के तीनों देखते हैं, दो पिक्चर कोई नहीं देखता है। अब देखो ये इसमें थ्री सर जो थ्री ग्रुप वाला है, इसमें देखो बहुत सारे एरिया है, तो ये वाला जो एरिया है वन के, ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है ये वाला, कि केवल वो स्टूडेंट जो केवल ए पिक्चर को देखते हैं, ठीक है। ये ऐसे स्टूडेंट आएंगे इसमें जो ए फिल्म को देखते हैं, उसी तरह इसमें कौन से स्टूडेंट आएंगे जो बी फिल्म को देखते हैं, उसी तरह इसमें कौन से आएंगे जो सी मूवी को देखते होंगे, और इस वाले में कौन से बच्चे आएंगे जो ए और बी दोनों देखते होंगे। और हमको पता है कि ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है जो केवल दो मूवी देखता हो, या तो तीन देखता है या तो एक देखता है, यानी कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है कि इसकी वैल्यू जीरो दी है। इसकी वैल्यू कितनी दी है? जीरो दी है। ऐसे इसमें कोई भी स्टूडेंट लाई नहीं करेगा। सिमिलरली बी और सी में जो ये ओवरलैप है, ये वाला एरिया, ये इसमें वो स्टूडेंट आएंगे जो केवल बी और सी देखते होंगे, केवल बी और सी देखते होंगे, तो ऐसा स्टूडेंट है ही नहीं है जो केवल बी और सी देखे, तो यानी इसकी वैल्यू जीरो होगी। सिमिलरली ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया होगा, ए और सी के बीच में कॉमन है, और उसमें वो ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो ए और सी मूवी देखते होंगे, ओनली ए और सी, तो इसका मतलब ऐसे स्टूडेंट था ही नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है? जीरो दिया हुआ है। इसकी वैल्यू क्या दिया? जीरो दिया हुआ है। क्लियर यहाँ तक? इस लाइन का मतलब सबको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं क्या बोला। 13 स्टूडेंट वॉच फिल्म ए। अब यहाँ पे देखो 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फिल्म ए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है क्या ओनली फिल्म ए, एग्जैक्टली फिल्म ए, ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब ए ग्रुप के पूरे सर्किल की वैल्यू दी है। अब पूरे सर्किल का जब वैल्यू दिया रहता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं? बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 13। सिमिलरली 16 स्टूडेंट वॉच फिल्म बी। 16 स्टूडेंट का मतलब 16 बच्चे ऐसे हैं जो फिल्म बी को देखते हैं, और यहाँ पे भी ओनली और एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं किया है कि इसका मतलब ये पूरे 20 सर्किल की वैल्यू दिया है। और जब भी 20 सर्किल की वैल्यू दिया रहता है तो हम लोग उसको बाहर लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने 16 लिख लिया। सिमिलरली आगे दिया है 19 स्टूडेंट वॉच फिल्म सी। 19 ऐसे बच्चे हैं जो कि फिल्म सी को देखते हैं। सी का यहाँ पे भी ओनली और एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं किया है, मतलब ये पूरा सर्किल की वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको लिख लिया 19 स्टूडेंट। क्लियर है आपको? अब आगे पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच्ड ऑल थ्री फिल्म। तो देखो इसमें कुछ बच्चे आएंगे, इसमें कुछ बच्चे आएंगे, इसमें कुछ बच्चे आएंगे, और इसमें जो बच्चे आएंगे वो तीनों के तीनों पिक्चर देख रहे होंगे। क्लियर है? तो देखो इसमें एक पिक्चर देखने वाला बच्चा आएगा, इसमें एक पिक्चर, इसमें एक पिक्चर, इसमें तीनों के तीनों, और बाकी दो वाले में कितने जो भी बच्चे आएंगे वो जीरो आएंगे। यानी कि हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू एक्स है, इसकी वैल्यू एक्स है, इस एरिया में एक्स स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, इस एरिया में जीरो, इस एरिया में जीरो स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, इस एरिया में जीरो लाइक कर रहे हैं, ये पूरे सर्किल में 13 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, और इस एरिया में एक्स, इस एरिया में जीरो, इस एरिया में जीरो, तो यहाँ पे कितने बचे? तो यहाँ पे बचेंगे 13 - x। सिमिलरली ये टोटल एरिया में कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं? 16 लाइक कर रहे हैं, और यहाँ पे भी इस एरिया में कितने हैं? एक्स हैं, और इस एरिया में जीरो, इस एरिया में जीरो, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 16 - x हो जाएंगे। सिमिलरली ये पूरे सर्किल में कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं? 19, और इस एरिया में एक्स, और इस एरिया में जीरो, इस एरिया में जीरो, तो इस एरिया में कितने स्टूडेंट लाइक करेंगे? तो सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा? 19 - x। ये बात सबको समझ में आ गई? ये 13 - x, ये 16 - x, और ये हो जाएंगे 19 - x, ठीक है। अब देखो अब बोला है कि 40 स्टूडेंट में से ईच स्टूडेंट बोला है। ईच स्टूडेंट बोलने का मतलब कि 40 में से सबके सब या तो एक पिक्चर देख रहे हैं या तीन पिक्चर देख रहे हैं, यानी कि सबका सम कितना आना चाहिए? सबका सम करने पे कितना आना चाहिए? 40 के बराबर आना चाहिए। और सबका सम करेंगे तो 13 - x प्लस 16 - x प्लस एक्स प्लस 19 - x इज इक्वल टू हो जाएगा 40। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -2x हो जाएगा, ठीक है, -2x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2x हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगी। x 4 आने का मतलब क्या हो गया बच्चों? कि ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो चारों के चारों मूवी को देखते हैं, ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच्ड ऑल थ्री फिल्म। तो 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सारी की सारी मूवी देखते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब देखो इस क्वेश्चन में और क्या क्या पूछा जा सकता था। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जो केवल बी फिल्म को देखते हैं, ओनली बी फिल्म, तो बी फिल्म वाले क्या हैं? 16 - x की वैल्यू निकालेंगे, तो 16 में से 4 घटा देंगे तो क्या जाएगा? 16 में से 4 घटाएंगे तो क्या जाएगा? 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल फिल्म बी को देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अगर आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा तो ओनली बी, ओनली सी, ओनली ए, तो ओनली बी की वैल्यू क्या हो जाती? 16 - x
और 16 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाती है 12, और ओनली सी का मतलब क्या होता है 19 माइनस एक्स, 19 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 15। सिमिलरली अगर पूछा ओनली ए मूवी कौन से देख रहे हैं, कितने स्टूडेंट देख रहे हैं, तो ये 13 माइनस एक्स, और 13 माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ऐसे 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल बी फिल्म को देखते हैं, 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओनली सी फिल्म को देखते हैं, और 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओनली ए फिल्म को देखते हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आप डायग्राम्स बना लेंगे ऐसे, और जब आप सारे डेटा फिल कर लेंगे तो आप कुछ भी पूछेगा आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आई थिंक अब तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्लियर है? आपको मेन इस जब भी वेन डायग्राम में क्वेश्चन आता है तो ये मेन डायग्राम है। जिस दिन आप ये डायग्राम बना लिए और डेटा को फिल कर लिए, एग्जाम में कुछ भी पूछेगा आप बता ही दोगे 100%। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, बस आपको ओनली एग्जैक्टली का ध्यान रखना है, और यह डेटा कहाँ कहाँ फिल करना है इसको ध्यान रखना है। अगर आप इतना ध्यान देते हैं तो एग्जाम में इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गेट 2019 में आया था कंप्यूटर साइंस में। ये क्वेश्चन पार्शियल गलत है, और लेकिन एग्जाम में इसको सही माना गया था, और एग्जाम में जो पूछा गया था उसके लिए क्वेश्चन सही था, लेकिन कोई एग्जाम में कुछ और पूछा होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, इनवैलिड क्वेश्चन हो जाता। वो कैसे होगा मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है? तो एक काम करना, सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ट्राई नहीं कर सकते तो एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ो और समझो क्या क्या दिया हुआ है। तो जो लोग क्वेश्चन को पढ़े लिए होंगे उनको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि एक स्पोर्ट एकेडमी है जहाँ पे 300 लोग हैं, ठीक है? उसमें बोला गया कि 105 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 70 लोग जो है ओनली हॉकी खेलते हैं, 50 ओनली फुटबॉल खेलते हैं, 25 प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 15 प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, 30 प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो इतना पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पे 3 ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं और तीनों के बीच में कुछ कॉमन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको वेन डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब भी 3 ग्रुप का आया, वेन डायग्राम आया, तो आप तीनों सर्किल ऐसे बना लो, देखो जैसे मैं बनाया हूँ, और सबका नामकरण कर दो, सबका नाम दे दो। तो कौन कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? पहला क्रिकेट है, ठीक है? दूसरा क्या है? हॉकी है, और तीसरा क्या है? फुटबॉल है। तो हमने तीनों का नाम दे दिया, ठीक है? जब ऐसे आप बना लेते हो उसके बाद डेटा को फिल करना चालू कर दो। जैसे आप डेटा फिल करोगे आप जो भी पूछा रहेगा एग्जाम में इजीली निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो बोला है कि टोटल 300 स्टूडेंट हैं, तो सॉरी 300% है, तो 300% को मैंने बना दिया कि टोटल 300 लोग हैं स्पोर्ट एकेडमी में। अब उनमें से बोला है, देखो ध्यान से यहाँ पे इस लाइन को समझना, 105 प्ले ओनली क्रिकेट। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड यूज हो गया है। ओनली वर्ड यूज होने का मतलब ये हो गया बच्चों कि ये पूरा का पूरा क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ओनली क्रिकेट का मतलब ये हो गया कि केवल इस वाले एरिया की वैल्यू दी है। तो जब भी इस वाले एरिया की वैल्यू दी रहती है तो हम इसमें क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो 105 प्ले ओनली क्रिकेट है, इसकी डेटा को यहाँ पर लिखेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत लोग यहाँ पर नहीं लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर ओनली वर्ड यूज किया है। तो ये ऐसे लोग हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो केवल क्रिकेट वाला कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करता है? ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा इस डायग्राम में। अगर यहाँ पर ओनली वर्ड यूज नहीं लिखा रहता तो ओनली वर्ड यूज नहीं किया होता तो यहाँ पर बाहर लिखते 105। क्लियर है? सिमिलरली देखो 70 प्ले ओनली हॉकी, 70 लोग हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं। हॉकी का मतलब पूरा का पूरा हॉकी दिया है, और ओनली हॉकी का मतलब क्या हो गया बच्चों कि इस वाले ग्रुप की उसने बात किया है। और इस वाले ग्रुप में हॉकी में कितने हो जाएंगे? ये वाले यहाँ पे फिल करेंगे 70। सिमिलरली आगे क्या बोला गया है, 50 प्ले ओनली फुटबॉल। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ओनली वर्ड यूज कर दिया गया, तो ये पूरा का पूरा फुटबॉल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाले कितना हो जाएगा? ये वाला केवल ओनली फुटबॉल होगा। तो इस वाले एरिया की वैल्यू दी है, इस वाले एरिया में कितने पर्सन आ रहे हैं वो दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे। और यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 पुट करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक हमने पुट कर दिया जो दिया था। आगे बोला गया है कि 25 प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों कि 25 ऐसे पर्सन हैं जो कि क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, और यहाँ पर ओनली और एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो क्रिकेट और हॉकी का ओवरलैपिंग क्या है? क्रिकेट और हॉकी का ओवरलैपिंग ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा ओवरलैपिंग है। यानी कि ये पूरा देखो यहाँ पर ड्रॉ करिए, पूरे के पूरा वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि वहाँ पे ओनली वर्ड यूज नहीं किया गया है, यानी कि पूरा का पूरा ये दिया हुआ है। आगे देखो 15 प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल। जब पूरा का पूरा दिया रहता है तो बच्चों हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है? यहाँ पे लिखते नहीं किया है, हम लोग बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको कि क्रिकेट एंड हॉकी में कितने लोग हैं? 25 है। ओनली नहीं यूज किया तो हम यहाँ साइड में लिखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप फिल नहीं कर सकते। आगे बोला गया फिल करोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, ध्यान रखना। 15 प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल के बीच में 15 है, यानी कि देखो ये वाला पूरा का पूरा दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा
यहाँ पे हॉकी एंड फुटबॉल में कितने हो गए, 15% हो गए। सिमिलरली 13 प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं यूज किया है, यानी क्रिकेट एंड फुटबॉल के बीच में कितना आ जाएंगे, 30। और ये क्रिकेट और फुटबॉल के बीच का एरिया कौन सा है, ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, इनके बीच में ओवरलैपिंग ही है, तो ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे पूरा का पूरा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक। आगे बोला गया है द रेस्ट ऑफ देम प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट, और बाकी जो बचते हैं वो तीनों को तीनों खेलते हैं। तीनों का मतलब क्या होगा, ये वाला एरिया में आएंगे, देखो जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये इस वाले में तीनों तीनों वाले आएंगे। क्लियर यहाँ तक। आगे पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु प्ले एटलीस्ट टू गेम, ऐसे कौन से पर्सन हैं, इतने ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो केवल मतलब कम से कम दो गेम खेलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, दो गेम का मतलब क्या हो गया, जो दो गेम कम से कम दो गेम का मतलब जो दोनों दो गेम खेल रहा हो या फिर तीनों गेम खेलता हो, ये दोनों ग्रुप वाले आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चे आ जाएंगे, ऐसे लोग आ जाएंगे जो दो और तीन दोनों गेम खेलते होंगे, यानी कि कौन सा एरिया टू और थ्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये वाला पूरा एरिया टू को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला अभी जो बना रहा हूँ ये, और ये वाला थ्री का। इसका मतलब ये जो हमको इस वाले एरिया की वैल्यू जो मैं पूरा डार्क कर रहा हूँ इसकी वैल्यू निकालना है ये, और बताना कि टोटल का कितना परसेंट होगा। ये जो मैं पूरा डार्क किया यही तो होंगे जो टू या दो से ज़्यादा गेम खेल रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे बंदे इसमें आएंगे जो दो या दो से ज़्यादा गेम खेल रहे होंगे, तो इसकी वैल्यू आपको बताना है टोटल का कितना परसेंट है। और टोटल 300 है बच्चों, तो एक बात बताओ, इस एरिया का 105 है, इस एरिया का 70, इस एरिया का 50 है, तो 300 में से 105, 170 और 50 घटा देंगे तो यही तो ये डार्क वाला ही तो एरिया निकल जाएगा ना। तो डार्क वाला एरिया निकालना है तो क्या करोगे आप, 300 -105 -70 -50 कर दोगे। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 75। तो 75 ये जितना डार्क किया हूँ सारे की सारी वैल्यू कितनी आ गई, 75। ये पूरे का सम कितना आएगा, 75। तो यानी कि 300 में से 75 ऐसे लोग हैं जो कि 300 में 75 ऐसे लोग हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा गेम खेलते हैं। और पूछा है कि परसेंटेज में पूछा है, तो क्या करेंगे, 75 300 कितना परसेंट है, तो 300 divided by 75 divided by 300 into 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 4 times जाएगा, ये आ जाएगा 25%। ठीक है, जब 25% आ गया तो बी इज द करेक्ट आंसर, यही तो आपसे पूछा गया था। क्लियर है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, देखो लिस्ट टू गेम का मतलब याद समझा, टू लिस्ट टू स्पोर्ट का मतलब दो या दो से ज़्यादा दोनों आएगा, तो यही तो एरिया है जो दो या दो से ज़्यादा लोग खेल रहे हैं। क्लियर है आपको, तो टोटल में से बाकी को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। लेकिन इसी क्वेश्चन में बच्चों अगर आपसे पूछा होता कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि तीनों के तीनों स्पोर्ट खेलते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, ये क्वेश्चन गलत होता, उस केस में क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब देखो कैसे गलत होगा, देखो अभी तक ये जो आंसर हम लोग निकाल लिए एग्जाम में आंसर आ गया, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर पूछा होता आपसे कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि तीनों के तीनों को गेम को खेलते हैं, ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्यों गलत है। क्योंकि देखो क्वेश्चन बनाना सही बात है कि आप क्वेश्चन का आंसर निकाल, लेकिन एक एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसी कैसी गलतियाँ हो सकती हैं। तो वो जब आप समझने लगते हो जिस दिन आप इस पर एनालिसिस करने लगते हो, आप स्ट्रांग बनते चले जाओगे और आपका स्कोर अच्छा होगा। क्लियर है, तो हम लोग बात करते हैं कि अगर तीनों पूछा होता तो कैसे गलती होता क्वेश्चन। तो यहाँ तक सबको क्लियर था पहले ही कि यहाँ पे 105 इसकी वैल्यू होगी, 70 50, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बोला गया है कि देखो कि 25 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, तो क्रिकेट एंड हॉकी का मैंने लिख लिया कितना, 25। यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं लिखा है तो हम लोग बाहर लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा दिया हुआ है तो हम पूरा फिल नहीं कर सकते, तो बाहर लिखे। आगे क्या बोला गया, 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, तो हॉकी एंड फुटबॉल कितने खेलने वाले, 15 है। 30 प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वाले कितने, 30 है, ये हमने ऐसे लिख लिया, ये पूरा का पूरा दिया इसलिए हमने यहाँ पे फिल नहीं कर रहे हैं। अब आगे पूछा गया, अब इसी क्वेश्चन में मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये ना देखे आपसे ये पूछा होता कि कितने ऐसे लोग हैं जो थ्री गेम सारे के सारे गेम खेलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स मानते हैं, मानते कि नहीं मानते, जब एक्स मानते ये पूरा का पूरा वैल्यू 25 दिया हुआ है तो एक्स मानते तो ये कितना हो जाता है, 25 - x हो जाता है। सिमिलरली फुटबॉल और हॉकी में क्या दिया, फुटबॉल और हॉकी में क्या दिया है, 15 दिया है, ये टोटल की वैल्यू कितना दिया, 15, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 15 - x हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्रिकेट और फुटबॉल में क्या दिया है, पूरा का पूरा दिया हुआ 30, तो 30 में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 - x। क्लियर है, अब देखो बच्चों जब ऐसा हमने लिख लिया, अब इन सारे का सम कितना आना चाहिए, इन सारे का सम कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो सारे का सम 300 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से, तो सारे का सम करते हैं, तो देखो 105 + 25 - x + x + 30 - x
प्लस 70 प्लस 15 माइनस एक्स प्लस 50 इक्वल टू 300 आना चाहिए, ये आपका आना चाहिए। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचेगा, माइनस एक्स माइनस एक्स, यहाँ बचेगा माइनस 2x। ठीक है, अब नंबर को ऐड करते हैं तो 105 और 25 कितना होता है 130, 130 में 30 ऐड करेंगे तो 160, 160 में 70 ऐड करेंगे तो 230, 230 में 50 ऐड करेंगे तो 280, और 280 में 15 ऐड करेंगे तो 295, तो यहाँ पर आ जाएगा 295 माइनस 2x इक्वल टू 300। अब देखो यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5/2 आ गई क्वेश्चन के हिसाब से। अब x की वैल्यू माइनस, देखो कोई भी एरिया में माइनस में कभी आ सकता है क्या नंबर, कोई पर्सन है किसी एरिया में रहने जा रहा है तो माइनस में होगा क्या कभी, हमें या तो जीरो होगा या तो कोई नहीं रहेगा उस एरिया में, उस एरिया में कोई भी लाई नहीं करेगा या फिर एक दो लाई करेंगे, कभी माइनस में लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ से पहला चीज कि इसकी वैल्यू निगेटिव कभी हो नहीं सकती, तो निगेटिव आ गया, इसका मतलब जो डेटा दिया हुआ है इस डेटा के हिसाब से क्वेश्चन क्या है, गलत दिया हुआ है। क्लियर है? दूसरा चीज कि देखो जो भी यहाँ पे पर्सन है, जो भी एरिया है उसमें पर्सन लाई कर रहे हैं तो पर्सन मस्ट बी इंटीजर। कोई भी ऐसा सुने हो क्या कि 1.5% कोई ऐसा होता है क्या, या तो 2% होगा या 3% होगा, हमेशा एक्स की वैल्यू इंटीजर आएगी ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें गलत है, इसका मतलब जो डेटा सेट किया गया है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि कितने ऐसे पर्सन है जो तीनों के तीनों गेम खेलते हैं, तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता और मार्क टू ऑल हो जाता एग्जाम में, मार्क टू ऑल हो जाता, इसका नंबर सबको मिलता एग्जाम में। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में ये पूछा था व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु प्ले एटलीस्ट 2 स्पोर्ट, तो क्वेश्चन को सही माना गया क्योंकि उस केस में ये पूरा का पूरा एरिया पूछा गया था, तो पूरा का पूरा एरिया में तो कुछ ना कुछ लोग तो लाई करेंगे ना, तो पूरे का सम निकाले थे तो प्लस माइनस मिलकर प्लस हो गया था, प्लस की संख्या ज़्यादा थी माइनस की संख्या कम थी, तो ये कुछ ना कुछ प्लस आ रहा था, और प्लस कितना 75 आ रहा था, तो हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब एक कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आपको सोचना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या वेरिएशन हो सकता है, क्या क्या और पूछा जा सकता है, एकदम ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा होता कि कैसे कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, मतलब लोग हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते, ओनली क्रिकेट और हॉकी खेलते, तो भी आंसर क्या आता, गलत आता, क्योंकि आंसर देखो जब ये वाला एरिया आता, ये एरिया की वैल्यू कितनी है 20 माइनस एक्स है, और जब एक्स की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो 20 में से घटाओगे एक्स को, और वैसे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस एक 5/2 हो जाएगा, तो ये कभी भी इंटीजर नहीं आएगा, यानी कि ये एरिया भी इंटीजर नहीं आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि ऐसे कितने लोग हैं जो क्रिकेट और हॉकी केवल खेलते हैं, तो भी आंसर गलत होता। अगर आपसे पूछता कि ऐसे कितने लोग हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो वो भी क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि वो इंटीजर में नंबर नहीं आता। क्लियर है सबको? तो ये क्वेश्चन इनवैलिड है एक तरह से, लेकिन जो पूछा गया है उसके लिए क्वेश्चन का डेटा सही है। ठीक है, लेकिन ये सब पूछा होता तो क्वेश्चन क्या होता, गलत होता। आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने गेट 2019 कंप्यूटर साइंस ब्रांच से लिया हुआ है, और ये आज के क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन बहुत ही कम सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिसमें कॉन्सेप्ट हो, और एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और बाकी मैं एक काम करूँगा, मैं आपको एक PDF देने वाला हूँ मैं। ठीक है, एक PDF मैं बहुत जल्दी आपको अपलोड कर, एक दो दिन में अपलोड हो जाएगा PDF। PDF में क्या होगा कि 25 प्लस क्वेश्चन होंगे जो बेन डायग्राम पे केवल बेस्ड होंगे। ठीक है, जिसमें गेट में आए हुए क्वेश्चन होंगे, पब्लिक सेक्टर में आए हुए क्वेश्चन होंगे, और उसके अलावा भी मैंने जो खुद से फ्रेम किए वो भी क्वेश्चन होंगे, आपको खुद से वो सॉल्व करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज और मेल आ रहे थे कि सर कुछ हम लोग को ऐसा मटेरियल दीजिए जो कि स्पेसिफिक हो गेट के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर के लिए, क्योंकि मटेरियल तो हमारे पास है लेकिन वो SSC रिलेटेड है, बैंक रिलेटेड है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उतना हम पढ़ नहीं पाते, उतना पढ़ने की आपको सच में ज़रूरत भी नहीं है, आपको एकदम स्पेसिफिक पढ़ना है। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली, तो इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम समझना है। ठीक है, जब आप SSC की तैयारी करते हो, बैंक की तैयारी करते हो, तो ये सब सारे क्वेश्चन फार्मूले से भी बनते हैं, इसके सारे फार्मूले एक जोनल थ्योरम है, जोनल थ्योरम अप्लाई करोगे तो ग्रुप ऑफ 3 पे बहुत ही अच्छा वो क्वेश्चन को आसान बना देता है। लेकिन जोनल थ्योरम आप फार्मूला क्यों, मैं आपको फार्मूला क्यों बताऊं, क्योंकि आपके टेक्निकल में ऑलरेडी इतने फार्मूले हैं उसको आप याद नहीं कर पाते, नॉन टेक का फार्मूला कैसे याद करोगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको फार्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है आने की है आप में एग्जाम में, लेकिन इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं कि आप किसके लिए शॉर्टकट याद करो। क्लियर है? अगर आपको फार्मूला याद करने का मन कर रहा है तो टेक्निकल के फार्मूले को याद कीजिए, क्योंकि वही आपसे याद करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे।
तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को सब लोग एक बार, मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से ट्राई करो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को सब लोग पढ़ लिए होंगे। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेन डायग्राम कब अप्लाई करना है। वेन डायग्राम को तब अप्लाई करते हैं बच्चों, जिनको नहीं समझ में, एक बार समझ लो फिर से, कि जब ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हो और उनके बीच में कुछ कॉमन की बात किया जाए, तो वहाँ पे वेन डायग्राम अप्लाई करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कॉलेज है जिसमें थ्री टाइप के स्टूडेंट है, थ्री स्टूडेंट हैं जो क्लब है, थ्री स्टूडेंट क्लब है। पहला जो क्लब है बच्चों ड्रामा क्लब है, दूसरा है डांस क्लब है, और तीसरा है मैथमेटिक्स क्लब है। तो ये बच्चे जो हैं, जो 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 स्टूडेंट हैं, वो सारे 60 स्टूडेंट हैं जो कि किसी न किसी क्लब में जाके ज्वाइन करते हैं। क्लियर है? आगे बोला गया है कि 40 स्टूडेंट हैं जो ड्रामा एंड डांस क्लब दोनों में है। तो जब इन दोनों ग्रुप में कॉमन की बात करने लगा, मतलब कि वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमने आप यहाँ पे थ्री ग्रुप का हमने डायग्राम बना लिया, तीनों का नाम दे दिया, कौन सा क्लब है, ड्रामा क्लब है, डांस क्लब है और मैथ क्लब है। ठीक है, अब बोला है कि 60 स्टूडेंट आर ओनली इन द ड्रामा क्लब। ठीक है, 60 स्टूडेंट ऐसे हैं, देखो यहाँ पर ओनली वर्ड यूज किया है, याद रखना 60 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल ड्रामा क्लब में हैं। तो अगर ओनली वर्ड यूज नहीं किया होता तो पूरा सर्किल की वैल्यू दिया होता और बाहर लिखते, लेकिन जब ओनली वर्ड यूज कर दिया, मतलब कि इस वाले एरिया का वैल्यू बात की, इस वाले एरिया में कितने स्टूडेंट लाई कर रहे हैं वो दिया है, और इसकी वैल्यू कितना दिया 60, तो यहाँ पे 60 फिल कर लेंगे। सिमिलरली आगे जब नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो 80 स्टूडेंट ओनली, यहाँ भी ओनली यूज कर दिया गया है, तो 80 स्टूडेंट आर ओनली इन डांस क्लब। तो 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि केवल डांस क्लब में है, तो ये पूरा का पूरा डांस क्लब है। ओनली डांस क्लब का मतलब क्या हो गया, ये वाला एरिया दिया है, तो इस वाले एरिया में 80 स्टूडेंट लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है 30 स्टूडेंट आर ओनली, यहाँ भी ओनली ले दिया है, ओनली मैथ क्लब, ये पूरा का पूरा मैथ क्लब रिप्रेजेंट कर रहा है। ओनली मैथ क्लब का मतलब ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एरिया में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 30 स्टूडेंट लाई कर रहे हैं। आगे क्या बोला गया है, 40 स्टूडेंट आर बोथ इन ड्रामा एंड डांस क्लब। देखो तो ड्रामा एंड डांस क्लब का में कॉमन है, तो ये पूरा का पूरा ओवरलैप की वैल्यू दिया है, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड यूज नहीं किया है। अगर ओनली वर्ड यूज किया होता ये वाला एरिया देता, लेकिन ओनली नहीं किया, मतलब पूरा का पूरा दिया, पूरा का पूरा दिया तो हम यहाँ पे फिल नहीं कर सकते, तो जस्ट बाजू में इसके लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, डांस एंड ड्रामा। तो डांस ड्रामा में कितने बच्चे हैं बच्चों, 40 स्टूडेंट हैं। 12 स्टूडेंट आर इन बोथ डांस एंड मैथ क्लब, तो डांस और मैथ में कितने हैं, डांस एंड मैथ में, यहाँ भी ओनली वर्ड यूज नहीं किया, ध्यान देखेंगे 12 स्टूडेंट आर इन डांस एंड मैथ क्लब, तो यहाँ भी ओनली वर्ड यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे। आगे बोला गया है 7 स्टूडेंट आर इन बोथ ड्रामा एंड मैथ क्लब, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ड्रामा और मैथ क्लब दोनों में, यहाँ भी ओनली वर्ड यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ड्रामा एंड मैथ। ठीक है, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट दिया है, ये 7 दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी ओनली वर्ड यूज नहीं किया, मतलब कि पूरा पूरा ओवरलैप दिया है, ड्रामा और मैथ का ओवरलैप ये वाला पूरा पूरा दिया है, तो जब भी पूरा दिया रहता तो हम नहीं लिखते। आगे बोला गया है 2 स्टूडेंट आर इन द आल क्लब, दो ऐसे बच्चे हैं जो कि सारे क्लब को ज्वाइन किए हैं, तो 2 का मतलब कहाँ पाएंगे, इस वाले एरिया की वैल्यू दे दिया गया है। जब इस वाले एरिया की वैल्यू दिया है और ये टोटल हमको पता है, ये टोटल एरिया में कितने स्टूडेंट लाई कर रहे हैं, देखो डांस एंड ड्रामा, तो डांस एंड ड्रामा में टोटल 40 लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 माइनस 2 का मतलब हो जाएगा 38, तो यहाँ पे 38 बच्चे ऐसे लोग स्टूडेंट होंगे जो कि ड्रामा और डांस, केवल ड्रामा और डांस ज्वाइन किए होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट देखते हैं, डांस एंड मैथ में कितने हैं, डांस और मैथ कहाँ है, ये डांस ये मैथ है, तो ये पूरे ओवरलैप की वैल्यू 12 दी है और इसकी वैल्यू 2 दी है, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट लाई कर रहे होंगे, तो 10 स्टूडेंट लाई कर रहे होंगे। सिमिलरली ड्रामा एंड मैथ, तो ड्रामा एंड मैथ का ये टोटल एरिया दिया है, टोटल एरिया में कितने स्टूडेंट लाई कर रहे हैं, 7, और इस एरिया में 2 लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने होंगे, 5 स्टूडेंट लाई कर रहे होंगे। तो आप ऐसे डेटा को हमने पूरा फिल कर लिया। अब जब आप पूरे डेटा को ऐसे फिल कर लेते हो, अब एग्जाम में कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हो। लेट सपोज आपसे मैं पूछूं, एग्जाम में ये पूछे कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल ड्रामा एंड डांस में ज्वाइन किए हैं, तो 38 हो जाएंगे। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल डांस और मैथ में ज्वाइन किए हैं, तो 10 हो जाएंगे। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ड्रामा और मैथ दोनों में ज्वाइन, केवल ड्रामा और मैथ में ज्वाइन किए हैं, तो 5 हो जाएंगे। आपसे कुछ भी पूछेगा जब ये डायग्राम बना लिए, तो इजीली निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपसे। तो पूछा गया है, बोला गया है कि 75% ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज आर नॉट इन एनी क्लब। यहाँ ध्यान देंगे, टोटल 100% जो बच्चे हैं उसमें से 75% जो बच्चे हैं जो इनमें से नहीं है, और 25% क्या किए हैं, इन तीनों क्लब में ज्वाइन किए हैं। क्लियर है? मतलब ये टोटल जो सम, जितने स्टूडेंट का सम आएगा, ये कॉलेज में जितने बच्चे उनका 25% की वैल्यू होगी। तो सबका सम करेंगे, तो सबका सम करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे सम, तो सबका सम करना है, ये 38 2 40 हो गया, ये 40 हो गया, अब 40 60 कितना हो गया, 100 और 5 किया 105,
105 और 90 कितना हो गया, 195 और 30 कितना हो गया, तो वो 225, यानी कि टोटल 225, ये सारे का सम करने के बाद 225 आ रहा है। और ये 25% की वैल्यू दी है, मतलब 25% की वैल्यू दी है, 25% स्टूडेंट कितने हैं, 25%। अब आगे बोला गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कितने होंगे, तो 100% ही तो स्टूडेंट होंगे ना, तो 25% की वैल्यू इतनी दी है, तो 100% की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 900 स्टूडेंट, यानी कि 100% स्टूडेंट कितने हैं, 900। तो 900 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि टोटल स्टूडेंट हैं, ये टोटल स्टूडेंट पूछा गया है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता ऐसे कितने बच्चे, इतने कैसे बच्चे, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि कुछ भी नहीं ज्वाइन किए हैं, तो 75%, यानी कि इसका 75% निकाल लेते, तो 25% की वैल्यू पता है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो 600 आ जाता है, 675 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनमें से कुछ नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाली इसकी वैल्यू है। और 225 का मतलब ये हो गया टोटल, इसकी वैल्यू हो जाएगी 225 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कुछ ना कुछ इन तीनों क्लब को ज्वाइन करते हैं, और इतने बच्चे कोई क्लब को ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है। और टोटल आपसे पूछा है तो इन दोनों का सम पूछा गया था, सम ही तो 900 आया था, तो आपका आंसर था 900। तो इसका आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक मैं देखो मेरा फोकस है कि आप इस डायग्राम को बनाना सीख गए हो कि नहीं। जिस दिन आप ये डायग्राम को बनाना सीख गए, डेटा को फिल करना सीख गए, आपको वेन डायग्राम में कोई नहीं हरा सकता है, ये मेरा चैलेंज है। जिस दिन ये आप डायग्राम बनाना सीख गए, ठीक है, आपको कोई नहीं हरा सकता, वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन आपको डरा नहीं सकता, आप इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपको टाइम भी क्या हो जाएगा, कम लगने लगेगा। आई थिंक तो यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ग्रुप ऑफ टू और ग्रुप ऑफ थ्री दोनों हमने फिनिश कर लिया, तो ग्रुप ऑफ टू भी मैंने बहुत कोशिश की अच्छे से समझाने के लिए, ग्रुप ऑफ थ्री को भी कोशिश किया कि ताकि आपको समझ में आए, क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो जिन लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं वो लाइक करें, जिन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताएं। आपके लाइक और कमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। जब आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो उससे हमको फीडबैक मिलता है, हमको पता चलता है कि ये जो मैं वीडियो, ये जो टाइम बना रहा हूँ, ठीक है, जो ये टाइम दे रहा हूँ वीडियो बनाने में, ये जो कंटेंट बनाने में जो टाइम दे रहा हूँ, क्या ये इसको कोई यूटिलाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर आप कोई यूटिलाइज नहीं कर रहा तो इस कंटेंट को बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा मुझे कि आप यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आप उसको कमेंट करके ही बता सकते हो, ठीक है। तो आप कोई भी वीडियो, कोई भी मेरे चैनल या किसी भी चैनल पर अगर आप एजुकेशनल वीडियो देखते हो, आपको लगता है कि नहीं इस कंटेंट अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, तो उसको लाइक और कमेंट करें। अभी एक पार्ट और बचा हुआ है, उस पार्ट में हम लोग बात करेंगे ग्रुप ऑफ फोर का। ग्रुप ऑफ फोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्रुप ऑफ फोर में एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि डायग्राम बना के आपसे पूछ सकते हैं, एक डायग्राम दे देगा बना हुआ और उसमें से आपको डेटा पूछेगा। तो एक मैं क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो सॉल्व कराऊंगा ही ग्रुप ऑफ फोर का। तो नेक्स्ट पार्ट एक बचा हुआ है, उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ग्रुप ऑफ फोर का, और पीडीएफ का लिंक उसी समय प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तब उस समय ग्रुप ऑफ फोर की बात करेंगे, और एक पीडीएफ दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगर आप हमसे अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े तो ये फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ठीक है, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, यहाँ पे सारे अपडेट होते रहते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी लेक्चर का अगर पीडीएफ आपको चाहिए, या फिर मैं जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन सेट देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो भी इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो ये चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, अगर फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं।